हमारे पास यहाँ क्या गिवन है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जी यानी अगर एक y है तो दूसरा 1/y है। मैं 7 बजे फ्री हूँ सिद्धांत सर। हाँ छिड़ने दो बार जो छिड़ रही है उसे, उसको स्किप करो दूसरी जगह लग जाओ। आप उससे निकलो दूसरी चीजें करो फिर डिस्कस करते। मैं 6:30 कॉल करता हूँ। बिल्कुल सही कहा बेटे आपने कि अगर आपके पास एक एक 0y है तो दूसरा 1/y होगा। बट अब हमारे पास होता क्या है बेटे, हमारे जो जीरोस होते हैं वो होते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है बेटे, तो ये तो हमारे पास था, तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ से शुरू होता है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस। हाँ भाई सब बच्चों को पता है ना, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है ठीक है तो उसके 2 जीरोस होते हैं अल्फा बीटा। अब अगर अल्फा बीटा आपको मालूम है तो क्या आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम है? जी सर। यस सर। है ना, क्या आपको अल्फा इनटू बीटा मालूम है? जी सर। यस पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं इसमें हमें यूज क्या करना था। तो हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा इस पॉलिनोमियल में बी क्या है और ए क्या है? सर बी माइनस एंड ए इज 2। तो आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज 3/2। आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि मुझे अल्फा प्लस बीटा यूज भी करना है या नहीं करना, या मेरा अल्फा इनटू बीटा से काम चल जाएगा। फिलहाल तो मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास क्या क्या है। अच्छा उसके अलावा हमें अल्फा इनटू बीटा भी पता होता है, अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए होता है, और यहाँ पे जो आपका सी है वो हमारा के है ना भाई, और ए हमारा 2 है। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। अल्फा बीटा, तो ये बेटे जब भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन होगा क्वाड्रेटिक उसमें इस तरह की कंडीशंस होंगी, तो हमें अल्फा प्लस बीटा मालूम होता है और अल्फा इनटू बीटा मालूम होता है। अब एज पर अवर क्वेश्चन एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम देख लेंगे कि हमें क्या यूज करना है। तो जैसा इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं अल्लाह हमसे कह रहे हैं कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो इसका मतलब ये है गिवन कि अगर 1 0 अल्फा है और सेकंड बीटा है तो अल्फा इज 1/बीटा। यस और नो, ये बात आप सबको yes, या नहीं? यस सर। यस। ठीक है भाई, अगर एक अल्फा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल है, तो अल्फा बीटा तो 1/बीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास है, अगर अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा है तो क्या आप मुझे यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू बता सकते हो? ये बीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अल्फा बीटा तो सी अपॉन ए होता है, ठीक है, और सी अपॉन ए हमारा कितना है? के बाई 2। तो हमारा क्या आ जाएगा? के बाई 2 + 1। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। दोबारा से देखो, ये तो हमने ज्यादा लिखा है, हमें इसकी जरूरत नहीं थी, अब हम उतना लिखेंगे जितनी हमें जरूरत होती है। तो 1 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। आप क्या लिखोगे हियर? आप लिखोगे हियर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा और अल्फा बीटा इज 1, बट अल्फा बीटा इज सी बाई ए के बाई 2, सो के बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड सिंपली के इज इक्वल टू 2। सब बच्चे बताओ समझ में आया गया? यस सर। सब बताओ भाई, बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह। यस सर। जी सर। ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो? मैं हमेशा कहता हूँ डिजिटली पढ़ रहे हैं, फेस आपके सामने नहीं है तो मुझे नहीं लग रहा क्या, मतलब मुझे नहीं मालूम हो पाता कि कौन सा बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है और कितना बच्चा कम्फर्टेबल है कि समझ में आ रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझसे पूछें कि सर ये वाली लाइन क्यों आई है। सबको क्लियर है? Excuse me, sir. जी बेटे। सर अल्फा बीटा 1 कैसे हुआ? गिवन है बेटे। हमारे पास क्या है,
हमारे पास ये कह रहा है कि 10 वेरी गुड, ऐसे ही पूछा करो जब भी डाउट हो. 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये आपसे कह रहा है. तो आपके पास 10 अल्फा है, 10 बीटा है, ठीक है. तो आप क्या कह सकते हो, अल्फा इज रेसिप्रोकल, आप यहीं से मीनिंग निकालिए, ऑफ अदर. तो अदर कौन है, बीटा, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटे, 1/बीटा. तो इसका मतलब अल्फा इज, इसका मतलब इज इक्वल्स टू, तो अल्फा इज व्हाट, यस और नो? यस सर. अब आप बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बेटे, आप समझ में आया या नहीं आया? यस सर. है ना, तो अल्फा इनटू बीटा बेटे 1 हो गया, बट अल्फा बीटा सी अपॉन ए भी होता है. तो इसका मतलब हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, और हमारे पास अल्फा बीटा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. तो हम क्या कहेंगे बेटे, हम कहेंगे सी अपॉन ए इज 1. बट जो हमारे पास पॉलिनोमियल था बेटे, पॉलिनोमियल क्या था बेटे, हमारे पास पॉलिनोमियल था 2x² - 3x + k. तो इसमें हमारे पास सी है के और ए है 2, तो के बाई 2 इज 1, तो फाइनली के इज इक्वल्स टू. अब बताइए, अब समझ में आ गया? गुड. देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पे बेस्ड देखते हैं, कंडीशन पे बेस्ड. चलो ये तो सिंपल है, आप सब बच्चे बता सकते हो. सब बच्चे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में बताइए. हमसे कह रहे हैं अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2y² + 7y + 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा है 7/2. कहाँ से आ गया बेटे, हाँ भाई इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, मैंने आपसे क्या कहा ना बेटे, मैंने आपसे कहा है जैसे ही आपको पॉलिनोमियल दिया होगा तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगे. क्या वैल्यू आएंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी, बी कितना है 7, ए कितना है 2. अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए, सी कितना है 5, ए कितना है 2. क्या सब बच्चों को समझ में आ गया हमने कहाँ से लिखा? जी सर. यस सर. अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे वैल्यूज बस निकाल दीजिए. Now alpha plus beta plus alpha beta. So alpha plus beta आया है -7/2 + 5/2. So finally -2/2. -2/2 क्या होता है बेटा? -1. That's it. तो actually होगा क्या कि हमारे पास ये हमें मालूम है alpha plus beta and alpha beta. फिर हमें question में देखना है कि हमें use क्या करना है. एक question और बताओ चलो. बताइए बेटे, नीचे से कहो इश्तियाक को बुलाओ वहां से, वो ऊपर देगा. आंसर दीजिए. देखो बेटे अगेन हमारे पास क्या है, आपको दो ही चीजें करनी है कि आपके पास है क्या और आपको फाइंड क्या करना है. हमेशा हमें फाइंड क्या करना है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस माइनस 3/2. That is 3/2. Alpha into beta is c upon a. C is 7, a is 2. Now हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बेटे 1/α + 1/β. तो आप क्या करिए बेटे? LCM ले लीजिए. LCM आएगा बेटे alpha beta and ये हो जाएगा beta plus alpha. Yes or no? Yes sir.
यस सर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड कर चुके बेटे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितनी फाइंड करी है बेटे? 3/2। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटे? 7/2। तो 2 से 2 कैंसिल, व्हाट इज द आंसर? 3/7। दैट्स इट, ये आंसर है। अब बताओ कुछ समझ में आना शुरू हुआ? यस सर। गुड, आओ चलो देखो एक अच्छा क्वेश्चन और देखो। चल के देखें इसका आंसर कौन देगा, कलम ने किया था। हाँ जी, इसका आंसर कौन देगा? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल। सर पहले जीरोस निकालेंगे। पहले जीरोस निकालेंगे, बताओ सलमान कैसे जीरोस निकालें? सर लॉन्ग डिविजन मेथड से। हाँ जी जी बताइए। जिस मेथड से डिवाइड करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड ना जी? लॉन्ग डिवीजन मेथड। यस सर। नमान इतने अच्छे क्यों आप? अब्दुल रहमान बताओ कैसे फाइंड करें? हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोस, अल्फा बीटा और गामा के जो आपने प्रॉपर्टी बताई। बताइए क्या होती है प्रॉपर्टी? माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी अपॉन ए। हाँ वेरी गुड, देखा सलमान, कुछ बच्चे अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं, सारे मेरे जैसे नहीं है। हमने बेटे थोड़ा सा याद करिए, हमने कल बेटा पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डी अपॉन ए होता है बेटा, एंड सम ऑफ टू अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बेटे सी अपॉन ए होता है। रेगुलर क्लास का मतलब यही है कि हम थोड़ा सा फ्रेश से रहेंगे कि हाँ हमने अभी कल ही तो पढ़ा था, वो होता है बेटे डी अपॉन। तो थोड़ा सा याद करिए फिर देखिए कितना मजा आता है। हाँ भाई, तो अल्फा बीटा गामा होता है बेटे माइनस डी अपॉन ए। देयर इज नो नीड टू फाइंड इंडिविजुअल, ठीक है, जीरोस एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट, नहीं ऐसे ही काम चल जाएगा प्रॉपर्टी से। तो अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए होता है। तो बताओ बेटे डी कितना है? माइनस सिक्स। यस, अल्फा बीटा गामा इज माइनस ऑफ माइनस सिक्स, मेरे बच्चा ध्यान रखना, अपॉन ए, ए इज सिक्स, तो सिक्स बाय सिक्स कितना हो गया बेटे? वन। वेरी गुड, शाबाश। आओ जी चलो, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जो उसको नहीं समझ में आ रहा है, जो इन्वॉल्व नहीं है क्लास में, प्लीज बी अटेंटिव, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, क्लास में ऐड होइए, अपने आप को जोड़िए, फिर मुझसे पूछिए अगर नहीं समझ में आ रहा। चलो फिर देखो और लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा देखें ये कौन बताएगा, शाबाश, ये देखते हैं कौन बताएगा, डरेगा तो नहीं कोई बच्चा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मिल जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको आने चाहिए। चलो भाई बताओ इसकी वैल्यू कौन निकालेगा, फिर आपका एनसीईआरटी का स्टार्ट करते हैं, उसे खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल 4x² - 5x - 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। बताओ कौन बच्चा बताएगा? सर अल्फा बीटा निकालेंगे पहले, प्रॉपर्टी लगा के अल्फा बीटा फाइंड कर लेंगे। माइनस सी अपॉन ए और माइनस फाइव अपॉन फोर। क्या माइनस फाइव अपॉन फोर किसकी वैल्यू है? सर सी अपॉन है, सॉरी वन अपॉन माइनस वन अपॉन फोर। चलो हमें तो आप अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बताओ, कौन बताने जा रहा है? नोमान बताइए, शाबाश बेटे। सर हमें इंडिविजुअल जीरो नहीं निकालना पड़ेगा इसमें? नहीं मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमारे पे इतना टाइम ही नहीं होता कि हम इतनी सारी चीजें करें। आपको बेटे हमेशा ध्यान रखना है, व्हेन इट इज मेंशन्ड दैट अल्फा बीटा आर द जीरोस, इट मींस इट इज क्लियरली गिवन अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। अल्फा इनटू बीटा इज सी अपॉन ए। Yes sir, no. 5/16। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट आपको ये देखना है what we have, then what we need, alpha square beta plus alpha beta square,
अगर हम इसको ऐसे ही देखते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन जब हम इसको सिंपलीफाई कर देंगे, हां वेरी गुड, जब हम इसको हिलाते हैं तो तब निकल के आता है ना, क्या निकल के आ रहा है, हम अल्फा बीटा कॉमन ले रहे हैं बेटे, इसमें से अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा तो अब हो जाएगा। बच्चे बताओ हम कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते? हां भाई कॉमन ले सकते हैं ना, तो अब आप वैल्यूज रख दो बेटे, बस सिंपल। अल्फा बीटा कितना है बेटे? डरने की नहीं हो रही है कि दूर से बैठ के डरते रहो, क्वेश्चन को हिलाओ, हिलाओगे तो हो सकता है उसकी हवा निकल जाए, है ना, गुब्बारा बहुत फूला हुआ नजर आता है, हल्का सा पिन मारो पता चला खत्म हो गया, तो क्वेश्चन को हिलाया करो, डरा मत करो। चलो एक क्वेश्चन और फिर एनसीईआरटी खत्म करते हैं इंशाल्लाह, देखो कौन बताएगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन तो है भाई, इस वाले क्वेश्चन के बारे में तो सोचना पड़ेगा, देखो कौन सोचेगा। अच्छा मैं अगर किसी क्वेश्चन को कह दूं ये बहुत टफ है तो उम्मीद है टफ हो ही जाएगा वो मेरे कहते ही या नहीं? नहीं सर। अच्छा नहीं होगा, चलो बहुत टफ क्वेश्चन है, बताओ आंसर। नाउ आंसर बताइए, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस of the polynomial such that alpha minus beta is 1, then find the value of k. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन। कैसे ऐसी अच्छी अच्छी बातें मत किया करो सलमान, दिल दुखाने वाले। कैसे हो जाएगी माइनस वन? अल्फा प्लस बीटा माइनस वन कैसे हो जाएगा सलमान बताओ बेटे। माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस बी बाई ए तो माइनस फाइव है ना बेटे, 5 बाय माइनस 5। बैठो, बैठो जी, लेके आइए साइंस मम्मी के पास, मम्मी तो थकी हुई है, इधर ले आओ, ले आओ जल्दी मैथ्स ले जी। बताइए बेटे, अगेन बेटे तीन पार्ट है आपके पास, आप क्वेश्चन से डरा मत करो। फर्स्ट वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, सब बच्चे जितना हम लिख सकते हैं। रिड्यूस स्टेप्स कैसे रिड्यूस करेंगे, हमें उसकी जरूरत थी या नहीं थी वो तो आप बाद में करेंगे, फिलहाल तो आप प्रैक्टिस करते वक्त मत सोचो। अल्फा बीटा इज सी बाई ए तो इसका मतलब मुझे के की वैल्यू चाहिए तो मुझे यही आना चाहिए, और मेरे पास और क्या है, मेरे पास अल्फा माइनस बीटा वन। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है अल्फा इक्वल्स वन प्लस बी, वन प्लस बीटा। एक सेकेंड, इसका मतलब ये है कि मुझे ये अल्फा बीटा तो निकालना ही है क्योंकि मुझे के चाहिए, तो मुझे किस किस को यूज करना है, मुझे यूज करना है अल्फा प्लस बीटा को और अल्फा माइनस बीटा को, और ये दोनों शायद अब आपको इक्वेशंस नजर आ रहे होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज 5 एंड अल्फा माइनस बीटा इज 1। तो अगर कुछ बच्चों को मालूम हो हम इस तरह के इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, जरूरत नहीं है नोमान, हम सीधा डायरेक्ट करते हैं, हम इसको ऐड कर देंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, सो अल्फा अल्फा इज व्हाट, 2 अल्फा, 5 plus 1 is 6, alpha is 3. If alpha is 3, put in 1. इसको suppose करो हम 1 ले रहे हैं और इसको suppose करो हम 2 ले रहे हैं. Put in 1, है ना बेटे? तो 1 में रखेंगे तो आपके पास आ गया 3 plus beta is 5. तो beta is 2. तो alpha कितना है सर? 3 और beta कितना है सर? 2. अब हमारे पास question क्या था? हमारे पास था question alpha beta is equals to k. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 2 is equals to k, तो k is equals to 6. सब बच्चे बताओ समझ में आई क्या बात? Yes sir. चलो जी मुबारक हो, तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, इस पे बेस क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन अब आओ चलो अपनी बुक का क्वेश्चन देखते हैं कुछ छोटा सा। फर्स्ट टू एक्सरसाइज में किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो गुड, नो सर, गुड। अच्छा
ये हमारे पास है, ठीक है? क्या बच्चों को डिवीजन आता है? Yes sir. Yes sir. Divide the polynomial p x by the polynomial g x and find the quotient and remainder. चलिए जल्दी से डिवाइड करके मुझे quotient and remainder बताइए. देखूं कौन कौन बच्चा बताता है. जल्दी से, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी. Yes. नहीं, चलो बच्चे करें कुछ कुछ मेरे साथ देखें. एक्चुअली होता क्या है बेटे, हमारे पास है पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, एक सेकंड बेटे, बस 3x² + 5x - 3 is divided by x² - 2. ये मैं बस जी बेटे. सर डन सर. वेरी नाइस बेटे, ठीक है बेटे, मे बी पॉसिबल. ये हमारे पास है बेटे. आपको प्लीज ध्यान रखिए आप सब बच्चे कि अगर हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो आपको तीन चीजें कंसीडर करनी होती हैं. जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो आपके पास डिवाइडेंट है उसका फर्स्ट साइन देखिए. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस है या माइनस है? अगर प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे, और अगर माइनस होता तो फिर हम माइनस का साइन लेते. तो क्योंकि फर्स्ट टर्म में प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो पहला पार्ट तो ये देखना है. दूसरा पार्ट आपको ये देखना है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और किस जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइजर और डिवाइडेंड के नंबर्स क्या हैं. तो यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, तो आपका टेबल वन टाइम ही चलेगा, वन वन जा वन. तो पहला साइन देखना है, दूसरा नंबर देखना है, और तीसरा होता है पावर. डिवाइजर आपके पास है एक्स स्क्वायर, डिवाइडेंड आपके पास है एक्स क्यूब, तो वी नीड वन एक्स्ट्रा पावर, तो आपको एक्स चाहिए. ये बस, तो हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स लिख लेंगे. फिर हम क्या करते हैं, एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं. ये आप सब बच्चों को बताओ, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना भाई? यस सर. और फिर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू को, माइनस टू एक्स. आपको ध्यान ये रखना है कि जितने पावर्स हमारे पास होते हैं उसके नीचे ही उसको प्लेस करते हैं, थ्री को थ्री के नीचे, वन पावर को वन के नीचे. फिर आप करते हो सब्ट्रैक्ट. अगर प्लीज आप ध्यान से देखो तो जो हमारे पास सिंपल नंबर्स में डिवीजन होता है वही स्टेप्स हैं. ये मेरे पास टू है, तो इफ अगर वी आर डिवाइडिंग 9/2, तो एक तो हमारे पास साइन अगर लेना चाहो तो साइन ऊपर भी क्वेश्चन पे भी साइन वही आएगा, ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, हम नियरेस्ट मल्टीप्लाई ढूंढते हैं टू का. तो नियरेस्ट हमारे पास होता है टेबल फोर, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फोर टू जा एट, फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 9 - 8 = 1. तो सेम हम यहाँ कर रहे हैं, नियरेस्ट नंबर ढूंढ रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर जो भी आ रहा है फिर हम उस पर टेबल चला रहे हैं. तो ये हमारे पास होगा. तो अगर आप चेक करोगे x³ - x³ हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास आएगा -3x², फिर आपके पास 5 + 2 = 7x - 3. देखो यही आ रहा है ना सब बच्चों का? Yes, sir. अब अगेन अब अगर आपको डिवाइड करना है तो नाउ वी हैव माइनस साइन. फर्स्ट टर्म का जो साइन है बेटे वो माइनस है, तो आपको यहाँ पे भी बेटे माइनस ही लेना है. फिर नंबर चेक करो, तो वहां पे वन है या थ्री है, तो वन थ्री जा थ्री, तो आपको नंबर लेना है थ्री. फिर पावर चेक करो, तो वहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा पावर, हमें नहीं जरूरत है. अब हम क्या करेंगे, माइनस थ्री से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको. यस सर नो? Yes. तो -3x² बेटे माइनस माइनस प्लस, 3 2 = 6, तो नंबर को नंबर के प्लेस में आपको उसमें प्लेस करना है उसी की जगह. अगेन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, तो 7x - 9, ये आपका. अब आपको चेक करना होता है कि डिवाइजर की पावर तो 2 है बेटे, और आपके पास रिमाइंडर की पावर 1 आ गई, तो व्हेन हमारे पास लेस पावर होता है तो उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं. तो ये हमारे पास है बेटे रिमाइंडर, है ना, और ये हमारे पास आया क्वेश्चंट, और ये हमारे पास आया सर डिवाइजर. ये थे, तो इस तरह से आपको करना था. चेक करो आपका भी यही आ रहा था क्या? यस सर. यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड.
क्वेश्चन आ गया हमारा और रिमाइंडर आ गया. गुड, तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में, और सेकंड क्वेश्चन भी यही है. और मेरा एक बच्चा बता रहा था कि सर डिवीजन एल्गोरिथम को हटा दिया है, लेकिन हमें फिर भी नॉलेज के लिए रखना है, अभी हमें नहीं मालूम. तो ये तो 9th से सिमिलर ही है. बिल्कुल बिल्कुल बेटे, वही चीज है. तो ये हमारे पास है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2. बोथ आर सेम क्वेश्चन, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. कल आप जब क्लास करेंगे तो ये आपके पास सॉल्व हुआ हुआ होना चाहिए आपकी कॉपी में. मैं किसी भी बच्चे से नोटबुक ओपन करवा के देख सकता हूँ कि बेटा दिखाइए मुझे, ठीक है सर. यस सर. सब बच्चे कर लेंगे ना. यस सर. क्लास करेंगे तो आपको थोड़ा सा होमवर्क करना होगा. आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है, हमेशा. 90-100% तो नहीं कह सकते, बट 99% चांसेस हैं. मैंने पहले भी इसको क्वेश्चन को कराया. तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 3rd एक्सरसाइज, आप सब बच्चे देख लीजिए. और बेटे ये हमारे पास है एग्जाम्पल 9. ऑल 3 क्वेश्चंस आर सेम. एंड ये हमारे पास है मेरे बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 4th एक्सरसाइज, ठीक है. तो दीज आर 3 क्वेश्चंस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एनसीईआरटी से आउट ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में आता है, तो इनसे बाहर भी नहीं जा रहा. अच्छी बात ये कि यानी 3 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लें तो ऑल 3 क्वेश्चंस आर सेम, डिक्टो सेम, सिर्फ नंबर्स चेंज हो रहे हैं 1, 2, 3, अदरवाइज द प्रोसेस जो भी आपका कहना चाहिए मेथड ऑल सेम, ठीक है सर. तो एक्सरसाइज 3rd क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 4 एंड एग्जाम्पल 9, ये हमारे पास है. तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे, प्लीज ध्यान से समझिए हो क्या रहा है, तो प्रोसेस समझना. हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑब्टेंड ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. थोड़ा सा मेरे साथ इन्वॉल्व रहिएगा बेटे सब बच्चे, चाहे तो अपनी नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और मेरे साथ साथ करते भी रहिए जो मैं लिखूं, और जहां पे भी आपको लगे कि सर ये टर्म कहां से आया मुझसे पूछ लीजिए प्लीज. मैं चाहता हूं कि अब आप जब डेली क्लास हो तो आप अच्छे से समझ रहे हो. यस, हमारे पास क्या है, देयर इज अ पॉलिनोमियल पी एक्स बेटे, एंड पी एक्स इज 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये हमारे पास. अच्छा आप सब बच्चे मुझे बताओ यहाँ पे पावर कितनी है, डिग्री कितनी है? 4. वेरी गुड वेरी गुड. तो हाउ मेनी जीरोस पॉसिबल होने चाहिए यहाँ पे? 4 जीरोस. यस, बट देयर आर ओनली 2 जीरोस आर गिवन, अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3 आर द जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है. अब थोड़ा सा रफ समझो, रफली समझो. एक्चुअली होता क्या है, मैं आपसे बेटे सबसे कह रहा हूं कि ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. मैं आपसे कहता हूं आपने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज होके ये हो गया x प्लस 2 x प्लस 1. आपने फिर यहां से जीरोस निकाले, जीरोस आप क्या करते थे, आप जीरो के इक्वल रखते थे शायद अगर याद हो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1. तो आप क्या कहते थे बेटे, आप कहते थे माइनस 2 एंड माइनस 1 आर द जीरोस. हाँ भाई बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, अब जरा अब आप रिवर्स में पढ़ो, नीचे लाइन से ऊपर की तरफ जाओ तो क्या हो रहा है, माइनस 2 एंड माइनस 1 आर द जीरोस, दैट मींस माइनस 2 एंड माइनस 1 आर द वैल्यूज ऑफ x, दैट मींस अगर माइनस 2 है तो इधर आके x प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस 1 है तो इधर आके x प्लस 1 हो जाएगा. तो आप सिंपली कहेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स
ऑफ पी एक्स, यस और नो? अगर आपको बेटे जीरोस गिवन है, इट मीन दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स. अगर एक्स की वैल्यू है तो उससे आप फैक्टर्स बना सकते हैं और फाइनली आप जीरो से पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं. अब मर्जी आपकी, आप मल्टीप्लाई करके फाइंड करें या आप ऐसे भी कर सकते हैं. आप खुद मुझे बच्चे बताओ, अगर आपको जीरोस गिवन हो माइनस टू एंड माइनस वन, तो आप पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे? मतलब एक हमारा अल्फा है और एक हमारा बीटा है और मैं आपसे कह रहा हूँ पॉलिनोमियल बनाइए. तो मर्जी आपकी, आप मल्टीप्लाई, मैं दोनों से करके दिखाऊंगा, जो अच्छा लगेगा आप कर लेना. आपने सम निकालना सीखा होगा अल्फा प्लस बीटा? जी सर. आपने प्रोडक्ट निकालना सीखा होगा? तो आपने आपने पॉलिनोमियल भी तो बनाना सीखा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट. तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, यस और नो? अगर बेटे आपको जीरोस गिवन हो तो आप सम निकाल लीजिए, आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो पॉलिनोमियल आ जाएगा और वो जो पॉलिनोमियल आएगा वो फैक्टर होगा ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. तो चॉइस इज योर्स, आप इस मेथड से करिए, प्रोडक्ट से, मैं दोनों दिखा रहा हूँ आपको. प्लीज सब बच्चे ध्यान से देखिए क्योंकि आराम से करेंगे. आज आपने अगर ये तीन क्वेश्चन भी कर लिए तो बहुत है मेरे लिए. ठीक है. ओह अल्लाह मेरी तौबा. थ्री और फोर मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है. एक क्लास से आप थ्री मार्क्स अगर लर्न कर रहे हैं तो मजेदार बात है, बस फिर कुछ टेंशन है ही नहीं है. यहाँ आइए, हमारे पास क्या है, अंडर रूट फाइव बाई थ्री एंड माइनस अंडर रूट फाइव बाई थ्री आर द जीरोस. तो मैं दोनों पार्ट आपके सामने लिख रहा हूँ, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो सो ये अंडर रूट फाइव बाई थ्री है तो इस साइड आके बेटे माइनस हो जाएगा. मुझे बता देना जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो. तो ये हो जाएगा x माइनस रूट फाइव बाई थ्री, और अगर माइनस है तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा x प्लस अंडर रूट फाइव बाई थ्री इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. सब बच्चे बताइए समझ में आ गया क्या? जी सर. ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ सारे ही क्वेश्चन में, तीन क्वेश्चन है, तीनों में यही होना है बेटे. अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी. सो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है बेटे? बहुत अच्छे मेरा बच्चा. तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, सो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री इज ए फैक्टर. अब हम जो नीचे होता है उसे एलसीएम ले लेते हैं और उसको स्किप कर देते हैं, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री, तो थ्री को आप हटा सकते हैं. तो आप लिख सकते हैं बेटे, सो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो एक पार्ट तो ये. जी बेटे. सो ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव कहाँ से है? आप एलसीएम लो बेटे. अच्छा, ओके ओके. एक्स स्क्वायर अपॉन वन है ना बेटे? यस सर. और माइनस फाइव बाई थ्री है तो हम एलसीएम कितना लेंगे बेटे? थ्री है ना, और थ्री को फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे थ्री एक्स स्क्वायर और यहाँ वन से करोगे तो वन माइनस फाइव. अब क्लियर है नहीं? यस सर. अब प्लीज, अब जिन बच्चे को अगर हमें मालूम है अल्फा रूट फाइव बाई थ्री एंड माइनस रूट फाइव बाई थ्री आर द जीरोस, तो आप बेटे डायरेक्ट सम निकाल सकते हो. तो सम आ जाएगा रूट फाइव बाई थ्री प्लस माइनस रूट फाइव बाई थ्री, तो प्लस माइनस हो जाएगा जीरो. प्रोडक्ट आ जाएगा बेटे, तो चॉइस आपकी है रूट फाइव बाई थ्री इंटू माइनस रूट फाइव बाई थ्री, माइनस रूट रूट कैंसिल हो जाएगा माइनस फाइव बाई थ्री, तो पी एक्स आ जाएगा या पॉलिनोमियल आ जाएगा. क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास अगेन थ्री. आप एलसीएम लोगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री, तो थ्री स्किप कर देंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. सब बच्चों को बताओ दोनों चीजें क्लियर हैं या नहीं? यस सर.
तो आप सब बच्चों को क्या करना है, पहला पार्ट आपके क्वेश्चन का यही है, व्हेन द जीरोज आर गिवन तो आपको एक स्मॉल फैक्ट स्मॉल पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक पार्ट तो ये है आपके पास। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 का एक स्मॉल फैक्टर आ गया 3x² माइनस 5। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, फिर रफली एक चीज समझो। सपोज करो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे कि मेरे पास एक नंबर है 160 और मैं आपसे कह रहा हूं 4 इज ए फैक्टर ऑफ 160। तो अगर आपके पास 4 फैक्टर है 160 का, तो 160 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। 4 4 जा 16, 0 0 टाइम टेबल चलेगा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 160 के 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, 4 and 40। यस सर नो? यस सर। तो मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक स्मॉल फैक्टर है तो हम उस नंबर को डिवाइड करें तो एक और छोटा फैक्टर आ जाएगा। फर्दर अब हमें 160 को फैक्टराइज नहीं करना है, अब हम सिंपली 40 को फैक्टराइज कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये हमारे पास होता है, तो इसको हम यूज करेंगे इसी चीज को भी यहाँ। तो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि 3x² - 5 इज ए फैक्टर ऑफ, ठीक है, px। तो px क्या है, अब यहाँ हम डिविजन करेंगे बाई डिविजन मेथड। अगर ये फैक्टर है तो हम डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 3x⁴ अल्लाह प्लस प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। आपने क्या कहा है, आपने कहा है इसका फैक्टर हमारे पास है 3x² - 5। जी बेटे हमारे पास क्या आएगा बताएगा कोई बच्चा, हम डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म हम क्या लें, आप अगर चेक करेंगे बेटे, वही अगर जिसको प्रॉब्लम होती है तो वहीं से सोचिए, साइन प्लस में आएगा बेटे, नंबर यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है तो नंबर 1 आएगा, 3 1 जा 3। Here we have power 2 and here we have power 4. So we need 2 extra powers. So x² So आपको आपको plus लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है. So we need only x² अब जब आपके पास x² आ गया तो फिर आप x² से multiply करेंगे. तो 3x² into x² is 3x⁴ and minus 5x². Now you will subtract these terms. Subtract करते हैं तो sign change होता है minus plus. तो 3x⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 6x³ 5 - 2 कितना हो गया 3x² माइनस 10x माइनस 5। नाउ अब आपके पास साइन प्लस में माइनस में प्लस प्लस है और यहाँ पे 3 है बेटे और यहाँ पे 6 है, तो टेबल कितने टाइम चलेगा, 2 टाइम। वेरी गुड, 2 टाइम। पावर कितने हैं बेटे, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पावर 3 है, तो हाउ मेनी पावर्स वी नीड, एक्स्ट्रा पावर 1 पावर, तो ओनली 2x। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करो 2x से, तो 3x² into 2x इज 6x³। 2x को 5 से करो, 2 5 जा 10। आपको ध्यान रखना है पावर के साथ, 3 को 3 के साथ, 1 को 1 के साथ, इक्वल पावर्स को उन्हीं के अंडर रखना होता है ना, प्लेस करना होता है, ध्यान रखना। अब अगेन आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, माइनस 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 प्लस, 6x³ 6x³ कैंसिल, तो आपके पास आ गया 3x² 10x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5। अच्छा हमारे पास है क्या, हमारे पास 3x² - 5 ही है हमारे पास, तो हमारे पास आएगा क्योंकि नंबर भी 3 है पावर भी x² है, तो हमारे पास सिर्फ 1 चाहिए। यस सर। तो हमारे पास चाहिए प्लस 1, ये आ जाएगा 3x² - 5। अगेन साइन चेंज कर दीजिए, तो माइनस प्लस कैंसिल 0। तो अब आपके पास क्या हुआ, फुल्ली डिविजिबल है, तो आपके पास एक नया फैक्टर आ गया, x² + 2x + 1। एक फैक्टर था 3x² - 5 और एक फैक्टर है x² + 2x + 1। तो आपको समझिए, अब आपके पास जो पॉलिनोमियल px है उसमें 2 फैक्टर हो गए, एक हो गया 3x² - 5
जिसके फैक्टर्स थे अंडर रूट 5 बाई 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 बाई 3, और दूसरा आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है बेटे, तो अब आपके पास जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें टू फैक्टर्स हो गए। फर्स्ट वाले के जीरोस आपको मालूम है, आपको जो जीरोस फाइंड करने हैं वो सेकंड वाले के करने हैं, तो सेकंड वाले के फैक्टर्स करिए। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फैक्टर्स करते हुए आपको ध्यान रखना है मिडिल टर्म तो नहीं है, फॉर्मूला तो नहीं है, कॉमन तो नहीं है। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कोई फॉर्मूला तो नहीं है, आइडेंटिटी सर है। कौन सा वाला बेटे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यस इट इज एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है भाई, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, एक्स प्लस वन उसका मतलब टू टाइम एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो आ जाएंगे। बताओ जीरो क्या है, माइनस वन एंड माइनस वन, माइनस वन एंड माइनस वन, दैट्स इट। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस, तो यही आपके पास आ जाएंगे। सो अदर टू जीरोज आर, अदर टू जीरोज आर माइनस वन एंड माइनस वन। बताओ सब बच्चों को समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है गुड, इसे आप नोट करना चाहते हैं या दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं? कर लिया नोट बहुत अच्छा। चलो एक क्वेश्चन खुद से करो फिर, एक क्वेश्चन करो खुद से। केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास स्टार्ट हो गई, चलो जी क्लास कर लो। तो आप बच्चों को सबको यही करना है, फर्स्ट टू क्वेश्चन और ये तीन क्वेश्चन एग्जांपल 9 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4। ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह क्लास होगी और आज आपका टाइम टेबल फाइनलाइज करेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।